अच्छा, इसको महीने में एक बार खोल के साफ कर देना है। कपड़ा जो धुलाता है उसका सारा गंदगी इसमें आके जमा हो जाता है। अच्छा। पॉकेट में कॉइन वॉइन कुछ भी जाएगा तो यहीं पे आके अटकेगा। अच्छा। महीने में एक बार खोल के इसको साफ करके नल पे अच्छे से धो के इसको लगा के इसमें बंद कर देना है। ठीक है, ये जो फीता देख रहे हैं इमरजेंसी में डोर खोलने के लिए। अच्छा। जैसे मशीन चल रहा है, लाइट कट गया तो ये गेट लॉक रहता है, सारा काम होने के बाद ही खुलेगा। हाँ। अगर मान लिया लाइट कट गया, नहीं यार आपको जरूरी है कपड़ा निकालना है, हम्म, तो इसको फीता को एक बार नीचे ऐसे खींचेगा फिर गेट अनलॉक हो जाता है, फिर खुलेगा तो खुल जाएगा। अच्छा। उस दौरान ये ध्यान रखना है शीशा में पानी ना हो। अच्छा। क्योंकि अगर अनलॉक तो हो जाएगा, खुलेगा तो पानी रहेगा पूरा सामने से गिरेगा, तो पहले क्या कीजिएगा इसको खोल के यहाँ से पानी गिरा दीजिएगा, उसके बाद गेट खोलिएगा। ठीक है, पूरा पानी गिर जाएगा। हाँ, पूरा भी या इतना तक कर सकते हैं कि गेट खोल के ना निकले बस। हाँ। उसके बाद गेट खोलिएगा, कपड़ा इसके अंदर डालना है, कपड़ा जो भी मशीन में डालिएगा एक एक करके अंदर रखिएगा और उतना ही जितना आराम से हटेगा, कोचना नहीं है कपड़ा। ठीक है, कॉटन कपड़ा आप पूरा भर सकते हैं, मिक्स सिंथेटिक ये सब डालिएगा तो थोड़ा कम डालना है 50% तक। उसके बाद ये रबर के गैप को हमेशा एक कपड़े से हर वॉश के बाद एक बार पोंछ देना है, इसमें धूल मिट्टी जमा हो जाता है, और ये ग्लास पे भी कपड़ा मार दिया कीजिएगा। उसके बाद सर्फ यहाँ डालना है, लिक्विड वाला सर्फ यूज कीजिएगा तो इसके अंदर डालना है। अच्छा। और अगर पाउडर यूज करते हैं तो इसको हटा दीजिएगा, पाउडर सब डायरेक्ट इसमें डालेंगे। अच्छा। लिक्विड रहेगा तब इसको अंदर रख के इसमें डालना है। इसमें दो लेवल दिया हुआ है, देख रहे हैं, एक ऊपर एक छोटा एक बड़ा है। अच्छा। पूरा फुल लोड कपड़ा रहेगा तो ऊपर वाले तक 40 ml का है इसमें डालना है, हाफ लोड रहेगा तो नीचे वाले तक डालेंगे। अच्छा। तो ये IFBB के लिक्विड जो आता है उसके हिसाब से ये बना हुआ है, मार्केट का दूसरा अगर लीजिएगा तो उसके हिसाब से अलग अलग होता है सबका। अच्छा। तो ये कंपनी के हिसाब से, और इसको हमेशा आगे क्यों रखना है, इसको उल्टा डाल दीजिएगा ऐसे तो ये बंद नहीं होगा, ज़्यादा प्रेस कीजिएगा अंदर जाके फंस जाएगा, फिर खुलेगा नहीं। अच्छा। ये हमेशा ऐसे रखना है। बीच वाले में वॉश के बाद कुछ एक्स्ट्रा डालना है आपको, कम्फर्ट, रिवाइव, नील, वेनिश, कंडीशनर, ये सब तो बीच वाले में। अच्छा। और इसमें कुछ नहीं है, प्री वॉश के लिए खाली रहेगा। उसके बाद बोर्ड से स्विच दीजिएगा, फिर यहाँ से इसको ऑन करेंगे, ऑन करेंगे उसके बाद जैसा कपड़ा डालेंगे सारे प्रोग्राम लिखा हुआ है उस पर इसको सेट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट, मान लिया सबसे पहला मिक्स सॉइल, कॉटन, सिंथेटिक सब टाइप का कपड़ा एक साथ डाले मिक्स करके, तो मिक्स पे आके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। इसका जो टाइमिंग है यहाँ दिखा रहा है, 1 घंटा 43 मिनट टाइम लेगा, 3 kg आप कपड़ा डाल सकते हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर लेगा, जिस पानी से धोएगा वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे हिट रहेगा और 1000 RPM पे सुखाएगा, लास्ट पे जो स्पिन करेगा वो 1000 RPM रहेगा। तो RPM और टेम्परेचर गर्म पानी वाला आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा। RPM कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से ये चेंज होगा, सुखाने का स्पीड है 600, 800, 400, 1200, मैक्सिमम आपका 1200 RPM का मशीन है तो 1200 तक जाएगा वो। अच्छा। उसके बाद टेम्परेचर है ये गर्म पानी के लिए, 40 पे क्या होगा हल्का गर्म वार्म पानी धोएगा, आपको ज्यादा गंदा है तो 60 कर सकते हैं, पानी भी गर्म हो जाएगा इसमें। हाँ, इसी में हीटर इनबिल्ड है। अच्छा। ठीक, उसके बाद ये स्टार्ट बटन इसको दबाइएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सारा काम खुद होगा, धोना, खंगालना, सुखाना, सारा काम करके बंद होने से पहले 3 बार आवाज देगा, डिस्प्ले पे एंड लिख के बंद हो जाएगा। अच्छा। बीच में लाइट कटेगा, आपको कुछ नहीं करना है, जैसी लाइट आएगा जहाँ स्टॉप होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। नल इसका हमेशा खुला रहेगा, जब जरूरत होगा खुद पानी लेगा, टाइम होगा खुद ड्रेन हो जाएगा। तो बंद नहीं करते इसमें। हाँ। वही बाकी ऑटोमेटिक वो भी था ये भी है, तो हाँ। बाकी फंक्शन सेम ही है। हाँ। लेकिन थोड़ा अलग इसका है। हाँ, फीचर्स अलग है, काम एक ही है, जो जैसे उसमें ऑटोमेटिक सारा चीज होता था वैसे ही होगा। उसके बाद सिर्फ कॉटन कपड़ा डाल रहे हैं, नॉर्मल गंदा है तो कॉटन नॉर्मल पे आके स्टार्ट कीजिएगा, 2 घंटे 1 मिनट में सारा काम करेगा ये। अच्छा, ज्यादा गंदा रहेगा तो बता रहे हैं, हाइजीन है ये, बीमार आदमी का बैक्टीरिया वाला कपड़ा है तो हाइजीन पे धोइएगा, ये 60 डिग्रीज पे टेम्परेचर करेगा, पूरा गर्म पानी से धुलेगा ये। अच्छा। ठीक है, क्योंकि बीमार आदमी का बैक्टीरिया वाला कपड़ा होता है तो उसके लिए, छोटे बच्चे का कपड़ा है तो बेबी वेयर, इस पे भी पूरा गर्म पानी होगा, टेम्परेचर 60 डिग्री है। देखिए, बच्चे का कपड़ा भी ऑयली होता है, बैक्टीरिया वाला होता है, उसके लिए कॉटन इको प्लस, कॉटन कपड़ा ज्यादा गंदा है तो इको प्लस पे डालेंगे, बेडशीट, जीन्स ये सब अगर धोना है तो इको प्लस, ये आपका 2 घंटा 10 मिनट में सारा काम करेगा। उसके बाद है क्रेडल वॉश, ये सिल्क के कपड़े के लिए, डेलिकेट काफी सॉफ्ट कपड़ा है, जरी वाला काम सब धागा उगा वाला है, तो उसके लिए इस पे डाल के आप धो सकते हैं। इसमें जब धोइएगा तो अंदर ये ड्रम पूरा नहीं घूमेगा, ये 180 डिग्री झूले की तरह चलेगा। अच्छा। ठीक है, ये आपका 44 मिनट में सारा काम करेगा। उसके बाद है रिंस स्पिन, बाहर हाथ से आप कपड़ा धो लिए हैं, मशीन में सिर्फ खंगाल के सुखाना चाह रहे हैं, तो रिंस स्पिन पे चलाइएगा, 23 मिनट लेगा सिर्फ खंगाल के सुखाएगा ये।
और इस पे एक और प्रोग्राम है टब क्लीन। ये क्या है, ये मशीन को क्लीन करने के लिए है। तो ये महीने में एक दिन खाली मशीन चला देना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस पे आकर के और ये टेम्परेचर बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। फिर यहाँ लिख देगा टब क्लीन, फिर स्टार्ट करके छोड़ देंगे। 1 घंटा 36 मिनट ये चलेगा। टेम्परेचर रहेगा इसका 95, पूरा खोलता हुआ पानी से मशीन धुलेगा। महीने में एक बार इसको कर देना है। उसके बाद है स्पिन ड्राई। बाहर हाथ से कपड़ा धो लिए हैं, खंगाल भी लिए हैं, गीला कपड़ा सिर्फ सुखाना है मशीन में। तो स्पिन ड्राई पे चलाइएगा, 16 मिनट लेगा, सिर्फ सुखा के देगा ये। उलेन कपड़ा है तो उलेन पे डालेंगे। उलेन अदर किसी पे नहीं धोइएगा, उलेन को उलेन पे ही धोना है। उलेन आपका ये 42 मिनट में सारा काम करेगा। 2 kg कपड़ा डालना है, उलेन बहुत ज्यादा भारी हो जाता है पानी लेने के बाद, इसलिए 2 kg ही डालना है। और उलेन जब धोइएगा ना तो मशीन थोड़ा थोड़ा देर रुक रुक के चलता है। अच्छा। जैसे बाकी सब पे क्या हर 20 सेकंड पे घूमेगा, लेकिन उलेन पे 1-1.5 मिनट रुक जाएगा। फिटनेस वेयर, जिम का कपड़ा है तो फिटनेस वेयर पे डालेंगे। सिंथेटिक है, डेली यूज का है तो सिंथेटिक डेली। एकदम हल्का गंदा कपड़ा पहने उतारे तो एक्सप्रेस 15 मिनट में ये सारा काम करेगा, धोना कंगाला सुखाना। अच्छा, अभी रखते हैं कपड़ा, एक बार आप चालू कर दीजिए। ठीक, पॉज करो। इतना तो डाल ही सकते हैं। हाँ, आराम से। हाँ। 3 डबल बेडशीट एक बार में आराम से धो सकते हैं। कपड़ा जब डालिएगा तो ये चीज ध्यान देना है कि ये बाहर की ओर ना रहे, अंदरे रहे पूरे। अच्छा, ये पूरा अंदर है। हाँ। क्योंकि इस पे रहेगा, बाहर लटकेगा, बंद कर दीजिएगा तो रबर कट जाएगा। अच्छा, सर्फ डालिए मशीन में। कोशिश कीजिएगा ज्यादातर लिक्विड वाला यूज करें, मशीन लॉन्ग लाइफ रहेगा। ये सब पाउडर से मशीन जल्दी सड़ जाएगा, इसमें कास्टिक ज्यादा होता है, मॉइस्चर से पूरा जंग लगने लगता है। ठीक है, डालिए, अभी के लिए डालिए। हमारे कंपनी का भी, IFB का भी सर्फ आता है। बस बहुत हो गया। चालू हो गया। अब ये आपको कुछ नहीं करना, सारा काम खुद हो के बंद हो जाएगा ये। इस वाले में तो गर्म पानी नहीं होगा? होगा, 40 डिग्री हल्का गर्म। देखिए पानी ले रहा है तो ये नल का सिंबल आ गया, हमारे पानी आने लगा। देखिए यहाँ से पानी, पहले पानी प्री वॉश इसमें आता है, उसके बाद उसमें आएगा, लेके जाएगा।